बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हलवा बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए होगी 1 पाव सूजी, किशमिश, खोपरा और 1 पाव चीनी। अब हम एक बाउल में सूजी डालेंगे और फिर इसमें हसबी ज़रूरत पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, कोई भी जगह सूखी ना रहे। ये देखें, थोड़ा और पानी डालें। अब हम इसमें दूध डालेंगे, आधा कप। दूध को भी चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब हम एक बर्तन में ऑयल लेंगे और इसमें हम चीनी डालेंगे और चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच हिलाती रहेंगे वक्तन फ़क्तन, ये देखें, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। चाशनी हमारी तैयार हो रही है हलवे के लिए। ये देखें, चीनी तकरीबन हमारी गलने वाली है। जब ये अच्छे से गल जाएगी और इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा, फिर हम तब इसमें सूजी डालेंगे जो हमने पहले से भिगो के रखी है पानी में। पानी और दूध डालने से टेस्ट बहुत ही प्यारा आ जाता है, दूध का अपना ही टेस्ट है। ये देखिए, इसका कलर कितना ही प्यारा आ चुका है, बहुत ही अच्छा कलर है। चम्मच हिलाती रहें और रेडी है हमारी चाशनी। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। ये देखें, अब चम्मच हिलाती रहें ताकि ये हमारी सूजी ख़राब ना हो और कहीं से नीचे ना लग जाए। सारा कलर एक जैसा और प्यारा है, ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स करें। बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। देखिए, हलवा हमारा तैयार होने को है, तकरीबन तकरीबन तैयार है। बहुत ही प्यारा और मज़ेदार, एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखें, हलवा हमारा तैयार होने वाला है। अब हम इसको अच्छे से फिर दोबारा मिक्स करेंगे और एक प्लेट में निकाल देंगे। हम इसको ऊपर से सजाएंगे ताकि इसकी लुक प्यारी लगे। खोपरे से और किशमिश से बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली।